प्यारे बच्चों, अब हम कुछ शब्द पढ़ेंगे आ की मात्रा के। ओके, मैंने बोर्ड पर कुछ छोटे फिर बड़े उससे बड़े शब्द लिखे हैं। आपको मेरे साथ इनको पढ़ना है। आपको लिखने के साथ साथ पढ़ना भी आना चाहिए। ओके, तो हमारा सबसे पहला शब्द है नाक। नाक। ओके, आपको एक शब्द दो बार पढ़ना है। नाक। कान। 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 ओके, हाथ। 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 थ पर शिरोरेखा पूरी नहीं लगानी। गाल। गाल। ये हमारे क्या है? गाल। आपको इस तरह शरीर के अंगों के नाम भी आ जाएंगे, जैसे हमने ईवीएस में पार्ट्स ऑफ द बॉडी किए थे ना, ऐसे ही हिंदी में आपको शरीर के अंगों के नाम भी आ जाएंगे, है ना? नाक। कान। हाथ। गाल। अगला शब्द है रात। जब रात होती है हम सो जाते हैं, है ना? रात। तो हमारा अगला शब्द है माथा। 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 बेटा, यहाँ एक वर्ण पर लगी थी ना, पहले वर्ण पर आती मात्रा लगी थी, लेकिन यहाँ दोनों वर्ण पर मात्रा लगी हुई है, आगे वाले पर भी पीछे वाले पर। कितनी मात्रा है यहाँ? दो मात्रा है, दोनों आ की मात्रा है। माथा। चाचा। चाचा। आपके पापा के छोटे भाई, आपकी क्या लगे? चाचा। ताला। ताला। जब हम कहीं घर से बाहर जाते हैं और घर पर कोई नहीं होता तो हम घर पर ताला लगा के जाते हैं ना, ताला। पापा। आप सभी के पापा हैं, पापा। काला। काला। हमारे बालों का रंग कैसा है? काला। ओके, हमारा अगला शब्द है काजल। अब ये थोड़े और बड़े शब्द आ गए। काजल। देखो, आ की मात्रा पहले वर्ण पर है, फिर है दो वर्णों के शब्द, इनको मिला के क्या बना? काजल, है ना? हम आंखों में काजल लगाते हैं ना, काजल किसी लड़की का भी नाम हो सकता है। सागर। सागर किसी लड़के का भी नाम हो सकता है, और सागर हम सी को बोलते हैं, जैसे जहां बहुत सारा पानी होता है ना, समुद्र, उसको हम सागर बोलते हैं। ओके, सागर। रावण। रावण। रावण कौन था? कौन था रावण, बताइए मुझे? आपने रामायण देखी है ना, अभी भी रामायण आती है टीवी पर, श्री राम ने रावण को मारा था, रावण, है ना? दशहरे पे हम रावण जलाते भी हैं। मानव। मानव। आदमी को मानव भी बोलते हैं, और मानव किसी लड़के आदमी का भी नाम हो सकता है, मानव। हलवा। अब देखिए, आ की मात्रा यहाँ पहले वर्ण पर थी और यहाँ आखिरी वर्ण पर है। हलवा। हलवा हम सभी को अच्छा लगता है ना, हम खाते हैं ना, मम्मा बनाती है ना, हलवा। ओके, अब अगला शब्द पढ़ेंगे अनार। अनार। अब आ की मात्रा ना पहले वर्ण पर नहीं है, बीच वाले वर्ण पर है, दूसरे वर्ण पर। अनार। अनार। जहाज। जहाज पानी में भी चलता है, ऊपर आसमान में भी चलता है जहाज, है ना? जहाज। अगला शब्द है दवात। 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 बेटा, दवात होती है जिसमें, हमने नर्सरी में दवात पढ़ा था ना, जिसमें इंक डली होती है। ओके, पेन की इंक। दवात। शाही। अरमान। अब इसमें देखिए, पहले वर्ण पर आ की मात्रा नहीं है, दूसरे वर्ण पर आ की मात्रा नहीं है, लेकिन तीसरे वर्ण पर आ की मात्रा है, अरमान। तो हमारी आ की मात्रा कहीं भी आ सकती है, आगे, पीछे, दूसरे वर्ण पर, बीच में, है ना? तो हमें अब इनको मिलाकर जोड़कर पढ़ना है। अरमान किसी भी लड़के का नाम हो सकता है, अरमान। करनाल। करनाल। जैसे हमारा गोहाना सिटी है,
ऐसे ही करनाल, ये सिटी शहर का नाम है करनाल। एक बार फिर से पढ़ेंगे, नाक, कान, हाथ, गाल, रात, ओके, काजल, सागर, रावण, मानव, हलवा, अनार। आपको आ की मात्रा पर जोर देना है और वहां आपको मुंह ज्यादा खोलना है, ओके। जहाज, दवात, अरमान, करनाल। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी को ये शब्द पढ़ने आए होंगे, समझ में आए होंगे। आपको ये शब्द घर पर भी पढ़ने हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा करोगे। तो बच्चों, आपको ये शब्द लिखने और पढ़ने हैं। बेटा, ये शब्द जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, पढ़ोगे, उतना आपके लिए अच्छा। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।